वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ वैंकूवर की स्काई ट्रेन से एक अकोमोडेशन देखने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वैंकूवर में स्काई ट्रेन कैसे चलती है और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ और आपको आते ही जो जो भी चीज़ कैनेडा में करनी है आज भी उस बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो दीज आर माई इनिशियल डेज इन कैनेडा और अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा होम सिक भी फील होता है बट लेकिन धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है। तो आल मीट यू जब मैं अपनी जगह स्पॉट रोड स्टेशन पे पहुंचने के बाद। और अभी थोड़ा शोर भी है तो आल मीट यू देयर। रिचार्ज कराने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसी में रिचार्ज करा सकते हो। और ये बस सर्विसेज हैं जो यहाँ चलती हैं। अभी फ्रॉम द बस सर्विस आई विल गो टू 99 एवेन्यू एंड देन आई विल टेल यू के बाय। अभी हाँ वहाँ जा कर मैं बस में बैठ चुका हूँ और मैं 99 एवेन्यू जा रहा हूँ। और ये भाई मिले मेरे को तो बहुत मतलब इन्होंने जो मेरे को अभी सिर्फ अभी 2 मिनट हुए हमें मिले हुए लेकिन इन्होंने मेरे को पूरा एंड तक मेरे को समझा दिया और मैं बहुत ज़्यादा सही में मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और आपको भी अगर कोई ऐसे मिले तो आप बच्चों से बात करो, यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी वो आपको अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे। तो थैंक यू भाई, कोई मसला नहीं भाई, आपके साथ हैं डे वन से। तो अगर कोई भी मुश्किल आएगी, कोई भी दिक्कत होगी हमें बताना, हम आपके साथ हैं। बचपन मसला नहीं होता, मगर पहले पहले अब तुम्हारा डे वन है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, अभी थोड़ा होता है, पहले पहले होता है। मगर जैसे तुम यूज टू हो जाओगे चीज़ों के ना, यूज टू हो जाओगे तुम खुद ब खुद तुम्हें पता लग जाएगा। फिर ये सब होम सिकनेस वगैरह ये सब तुम एक डिटैच हो जाओगे, मतलब वो चीज़ें मन में नहीं आएंगी। तब तुम्हारे सिर्फ मन में होगा काम कि मैंने घर जाना है, काम करना, ये खाना वो खाना ना, तो मतलब सिर्फ एक एक तुम्हारा फोकस पॉइंट होगा। फिर वो चीज़ें तुम्हारी जो पास्ट है जो ये सब रहेगा ना, फिर वो अलग हो जाता है। फिर तुम्हारा सिर्फ फोकस तुम्हारे काम पे और आपके काम पे या अपने फ्यूचर पे होगा। थैंक यू भाई, थैंक्स अलॉट भाई। मैं वापस पहुँच चुका हूँ बर्नबी पैटरसन स्टेशन। तो अब मेन वीडियो के टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आपको कनाडा में आते ही क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं आते ही। जो मैंने फेस करा एक दो दिन, मैं कनाडा जिस दिन लैंड हुआ उस दिन मेरे को था कि मैं अपना GIC एक्टिवेट करा लूँ और अकाउंट खुलवा लूँ। तो फिर मेरे को पता लगा एक SIN नंबर होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर इफ़ आई एम राइट, SIN नंबर, वो आपको लेना होता है आते ही कनाडा सर्विस से। कनाडा सर्विस सेंटर होता है वहाँ से, तो वो आप लोगे तो आपको पासपोर्ट और स्टडी परमिट दिखाना है और कुछ नहीं करना, बस कोई फीस नहीं होती उसकी। बट मेन ये होता है कि वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, वो आपको वहाँ भी समझाएंगे। बट ये ज़रूर याद रखना कि कोई भी आपसे मांगे, खाली आपको बैंक अकाउंट खुलवाने में ज़रूरत होती है और मेरे हिसाब से कहीं और ज़रूरत नहीं होती। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर किसी को भी मत शेयर करना, आप खुद भी भूल जाना, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और उसके बाद आपको अपना GIC एक्टिवेट कराना होता है, तो आप नियरेस्ट किसी भी अपनी स्कॉटिया बैंक की ब्रांच में खुलवा लो, उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है और आपको स्टूडेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये आवाज़। हाँ तो स्कॉटिया बैंक में आपको काफ़ी स्टूडेंट बेनिफिट भी मिलते हैं और आपको कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं देने होते, सब हो जाता है। उसके बाद आपको अपना अकोमोडेशन फाइनल करना होता है, आपको अपनी सिम लेनी होती है। अगर आप जैसे इंडिया से आ रहे हो और VFS ग्लोबल से अगर आप बायोमेट्रिक्स के लिए जब जाते हो तो आपको एक कूडो की सिम मिलती है, वो अपने साथ ज़रूर रखना। मेरे की उस सिम ने काफ़ी हेल्प करी क्योंकि आते ही मैं सिम नहीं ले पा रहा था, तो वो फ्री चलती है कुछ टाइम तक, तो उसके बाद आप उसे कंटिन्यू भी कर सकते हो। मैंने सुना है कि अच्छे हैं नेटवर्क्स, बट मैं अभी जाऊँगा प्लान एक्सप्लोर करूँगा तो आपको दिखा दूँगा कि कौन सा सिम आपको लेना चाहिए। बट कूडो के भी मेरे को सही लगे अभी तक तो नेटवर्क, बट प्लान के एक्सपेंसेस अभी तक मेरे को कुछ खास पता नहीं लगे हैं, तो वो मैं वहीं जाके आपको बता पाऊँगा। एंड जो कनाडा में आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा फील होता है वो थोड़ा सा आपको होम सिकनेस होगा, बट लेकिन उसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि आपको काम करते रहना है। अब लाइक मैं 2 दिन से मतलब इतना कुछ काम हो नहीं पा रहा था मेरे साथ, तो काफ़ी मैं होम सिक फील कर रहा था। बट अभी मैं गया बाहर और अकोमोडेशन फाइनल करा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बिजी रहने की कोशिश करो। एंड अभी मैं इधर हूँ बर्नबी में, तो अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, रिलेटिव के घर, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा
यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि मेरे पास अभी अकोमोडेशन फाइनल नहीं थी, तो बाकी आप लोग फाइनल करके आओ। और अगर आपको अकोमोडेशन जाननी हो कि कहाँ मिलेगी एंड आप कैसे कर सकते हो, तो आई हेल्प यू, आई जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड वहाँ से आप फिर उधर सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। मार्केट प्लेस वगैरह होता है किसी, जिस पर आपको इजीली आराम से अकोमोडेशन मिल सकती है। एंड ये कार्ड होता है जो आपको आते ही बनवाना होता है, ये आपका बस में स्काई ट्रेन्स में चल जाता है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड बस अब मैं घर जाऊंगा, और ये स्कॉशिया बैंक सामने बिल्कुल, काफ़ी अभी ना स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है, तो स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो काफ़ी यहाँ पर मैंने सुना है कि मतलब अच्छा हो जाता है मौसम। बाकी लोनलीनेस तो है, इंडिया जैसा नहीं है यहाँ, लेकिन कोई नहीं, चलो आ गए हैं तो अब मेहनत तो करनी है। और मतलब बिल्कुल भी आप ये फील मत करना कि आपको यहाँ पर, एक मिनट में रोड क्रॉस करता हूँ, पहले यहाँ ऐसे रोड क्रॉस करनी होती है इधर ना, पहले मेरे को भी शुरू में समझ नहीं आया था काफ़ी दिन तक। तो और ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये भी ज़रूरी है वैसे, थिंग्स टू डू आफ्टर कमिंग इन कैनेडा, यहाँ आपको प्रेस करना होता है इधर जब आपको रोड क्रॉस करनी हो जिस भी डायरेक्शन में, वो आप देख सकते हो। हाँ तो एक मिनट मैं भूल गया, मैं अभी याद करके फिर दोबारा मेरे को, हाँ तो आपको जब आप कैनेडा में आते हो, आपको ये, आपको इंडिया में लगता होगा कि नहीं कैनेडियन लाइफ है अच्छी होगी, बहुत मज़े करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आके आपको सब कुछ खुद करना है, और नो वन विल हेल्प यू, मतलब अनटिल एंड अनलेस रिलेटिव होते हैं, सब हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा कि क्या करता हूँ आज पूरे दिन में, तो आज अब मैं अपना सिम, मेरे को एक मिली थी जो मैं बता रहा था कूडो की, लेकिन अब वो बंद हो गई है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कॉल वगैरह में, तो मैं अभी बस प्लान्स ही देखने आया हूँ कि क्या क्या मेरे को प्लान्स मिल जाते हैं। तो अभी मैं मेट्रो टाउन में हूँ, यहाँ बर्नबी में ही, उसके पास ही है मेट्रो टाउन, यहाँ सारे फीडो, रॉजर्स और ये सब है पूरा, मतलब जैसे हमारे वहाँ मॉल्स होते हैं एवरीथिंग, जैसे पैसिफिक मॉल है हमारे दिल्ली में, वैसा ही है। तो अभी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और आपको प्लान्स के बारे में बताता हूँ कि किसके प्लान सस्ते हैं, कौन सी सिम लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने अभी तक जो पता करा है और जो मैंने रिसर्च करा है, उसके हिसाब से सभी के प्लान, मतलब सभी के नेटवर्क्स में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लान्स का जो एक्सपेंसेस है वो एक स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी डॉलर मैटर्स फॉर यू। तो बस अभी एक्सप्लोर करता हूँ थोड़ा, और उसके बाद मिलता हूँ आपको, प्लान्स दिखाता हूँ। अभी टिम हॉर्टन्स एंड मैकडॉनल्ड्स गया था, बट वहाँ कुछ भी मतलब श्योर नहीं था कि एगलेस है या नहीं है, तो फिर मैंने स्किप कर दिया, घर जाके पी लूँगा कॉफ़ी, क्योंकि क्रीम में भी पता नहीं ना एग हो या ना हो, तो आई स्किप दैट। तो बस अभी खुला नहीं क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया, सब कुछ 10 बजे तक खुलता अभी ना, ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स, अभी मैंने एक फूड स्टोर देखा था, सब कुछ अभी बंद ही है ऑलमोस्ट। अभी बस देखता हूँ, अभी सुपर स्टोर पे गया था एक देखने की ग्रोसरी कैसी होती है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। तो अभी कोई भी स्टोर मेरे को दिख नहीं रहा जो खुला हुआ है, बट अभी मिलता हूँ, चलो फिर जब सिम लेता हूँ तो आपको बताता हूँ कौन सी सिम ली, और फिर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि जो जो मेन चीज़ें मैंने बतानी थी वो तो बताई थी, और कुछ और होगा तो आई टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। बस अभी सिम के बारे में बताता हूँ, फिर एंड करते हैं वीडियो को। ओके थैंक यू। अभी एक दिक्कत हो गई है कि क्योंकि रॉजर्स की सिम और मतलब फाइडो, कुछ भी मेरे को सिम नहीं मिल पा रही, क्योंकि मैं अभी 18 का हूँ, और 18 का हूँ अभी, और 19 के होने के बाद ही मेरे को सिम मिल पाएगी। एंड तो अभी मैं कूडो ही जा रहा हूँ जिसकी ऑलरेडी मेरे पे सिम है, तो मैं देखता हूँ अगर वो मान जाए और कंटिन्यू कर दे मेरा प्लान, क्योंकि सिम इज़ समथिंग रियल इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि मानते हैं कि नहीं मानते। तो भाई फाइनली मिला कुछ विदाउट एग एनीथिंग, इसका मैंने पूरा, उन्होंने मेरे को एक इंग्रेडिएंट बुक होता है इनके पास, वो दिखाया, तो ये मेरे को मिला फाइनली। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता, मिलता है, तो मैं खाता हूँ उसके बाद बताता हूँ, और कूडो का सिम का भी हो गया, वो भी बताता हूँ अभी। तो भाई अब क्या कहते हैं, हो गया मेरा सब कुछ, जो मॉल गया था मैं अभी मेट्रो टाउन, तो वहाँ सब कुछ हो गया, मेरा सिम मिल गया। हाँ सिम का ये हुआ था कि 19 ईयर्स के जब तक आप नहीं होते तो आपको सिम नहीं मिलता, मैंने बताया भी अभी। तो फिर मैंने क्या करा, जो कूडो का सिम मैं यहाँ से फ्री दे के आया था, मैंने उसी में प्रीपेड अभी रिचार्ज करा दिया, तो जैसे ही मेरा रिचार्ज हो जाएगा वो पूरा, तो तब तक मैं 19 का भी हो जाऊँगा अभी नेक्स्ट मंथ ही, तो उसके बाद मैं फिर उसको चेंज करा लूँगा दूसरे नेटवर्क में, क्योंकि कूडो थोड़ा प्लान मतलब ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट कवरेज का और उसका इशू है,
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रॉजर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है बट 5G देता है, और फाइडो भी अच्छा है, फाइडो के प्लान सस्ते हैं, कवरेज भी ओके अच्छी है, तो आप वो लेना। और बाकी मैंने सब बता दिया, आते ही सिन नंबर लेना है अकोमोडेशन का, GIC एक्टिवेट कराना है, सिन नंबर कैनेडा सर्विस से मिलता है, वो भी मैं बता चुका हूँ आपको, कैनेडा सर्विस सेंटर जो होता है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, होम सिकनेस थोड़ा टाइम रहेगी बट इट विल बी फाइन वेरी सून, और बीसी रखने की कोशिश करो, जैसे मैं भी आज बाहर निकल गया, बस अब वापस ही जा रहा हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपना लिंक जोशी इन कैनेडा ही है, इंस्टाग्राम भी जोशी इन कैनेडा डालोगे तो यू विल गेट दैट, उसी पे है सब कुछ। तो उस पर मैं अभी पोस्ट मैंने स्टार्ट नहीं करा, एक बार डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हो जाएँ, और कोई भी मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो रिलेटेड, तो जैसे जैसे मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ आई विल शो यू कि एक स्टूडेंट कैसे करता है, रहता कैसे है। अभी तो अकोमोडेशन में मैंने शिफ्ट नहीं करा, तो वहाँ शिफ्ट करूँगा तो बताऊँगा, टिफिन सर्विस लेना है या खुद बनाने से ज़्यादा चीप पड़ेगा, एवरीथिंग। और अगर आपको यॉर्कविल यूनिवर्सिटी का कैंपस देखना हो तो वो भी बता देना, उसकी भी वीडियो बना दूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ जोशी इन कैनेडा। यार एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और ऑन द इंस्टाग्राम, आई विल सिंपली मेक अ वीडियो ऑन दैट, स्पेशली इन वैनकूवर। पूरे कैनेडा का अभी मेरे को इतना कुछ खास पता नहीं लगा, अभी मेरा 4th-5th डे ही है कैनेडा में। तो दिस वीडियो वॉज अबाउट माई इनिशियल डेज इन कैनेडा, तो बाय बाय।